संविधान में प्रियम्बल का अपना महत्व है। प्रियम्बल के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग ढंग से अलग अलग केसों में इंटरप्रेट किया है। इन री बेरोबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं, जबकि उसके कुछ सालों बाद केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और प्रियम्बल को संशोधित किया जा सकता है। लेकिन पिछले 70 सालों के इतिहास में प्रियम्बल कितनी बार बदला गया, जैसे संविधान 100 से ज्यादा बार बदला जा चुका है, तो संविधान का एक पर्टिकुलर प्रोविजन जो कि प्रियम्बल है उसको कितनी बार संशोधित या उसमें बदलाव किया गया है। अगर इसको देखें तो भारत के संविधान के प्रियम्बल को केवल एक बार बदला गया है और वो भी इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने भारत के संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए एक संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसको हम 42वें संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें संविधान के जो महत्वपूर्ण प्रोविजन थे उनमें काफी कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई थी और किया भी गया था। तो उसमें जो उस समय प्रियम्बल जो था, प्रियम्बल में दो शब्द जोड़े गए जो थे सेकुलर और सोशलिस्ट। इसके अलावा इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी उसमें जोड़ा गया। तो मेन रूप से सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द है वो तभी संविधान के प्रियम्बल में जुड़े, उससे पहले नहीं थे। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के दौरान कहा था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 42वें संविधान संशोधन को पूरा का पूरा उसी स्वरूप में ले आएंगे जैसा 42वें संविधान संशोधन से पहले संविधान था। लेकिन जब बदली सरकार तो 44वां संविधान संशोधन उस समय की जनता पार्टी गवर्नमेंट ने संसद में पेश किया, लेकिन चूंकि जनता पार्टी के पास लोकसभा में तो नंबर था लेकिन राज्यसभा जो कि कंटिन्यूस एक हाउस है और उसमें हर दो साल पर केवल एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके फिर नए उसमें सदस्य आते हैं, तो इसके चलते लोकसभा में तो मेजोरिटी जनता पार्टी की हो गई लेकिन राज्यसभा में उनकी मेजोरिटी नहीं थी। तो इसलिए फिर आपस में समझौता होते हुए और कुछ मेन पॉइंट्स पर कंसेंसस बनते हुए 44वें संविधान संशोधन में ज्यादातर जो बदलाव संविधान के 42वें संशोधन में किया गया था उसको वापस कर दिया गया, लेकिन प्रियम्बल में जो बदलाव किया गया था उसके साथ कोई छेड़छाड़ बाद में नहीं की गई।